मानसून का तूफानी स्पेल, सिंध भर में मूसलाधार बारिश, सखर में मुसलसल हल्की और तेज बारिश से कई इलाके डूब गए, 100 फीडर्स ट्रिप कर गए, लाड़काना में भी शदीद बारिश, सड़कें पानी से भर गई, नौशेरो फिरोज की तहसील कंडियारो में 2 से 3 फुट पानी जमा, हैदराबाद डिविजन में भी जलथल एक, मीरपुर खास, उबाड़ो, रोहड़ी, शिकारपुर, कोटरी और टंडोला यार में भी बरसात, बलोचिस्तान में भी बादलों की गरज बरस, सिब्बी के नदी नाले बिफर गए, कोहलू शहर और गिरदोरवा में रात भर वक्फे वक्फे से बारिश, सिब्बी शाहरा पर तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल संगीन, जगह जगह सलाबी रेले, जिले खैबर के बरसाती नाले ओवरफ्लो, पाक अफगान शाहरा शदीद मुतासर, टांग के नदी नाले बिफर गए, जुनूबी वजीरस्तान में पानी की सतह बढ़ने से तोरा गोला में चेक डैम टूट गया, पानी घरों में दाखिल, डेरा इस्माइल खान और मर्दान की गलियां भी तालाब, पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत क्यों कम हुई? सियासी जमातों ने नवाज शरीफ के ऐलान पर सवाल उठा दिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, नवाज शरीफ को पंजाब नहीं मुल्क भर का लीडर समझते हैं, कीमतों में कमी पूरे पाकिस्तान में की जाए। हाफिज नईम ने सवाल उठाया, पंजाब में बिजली सस्ती हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? मुस्तकिल बुनियादों पर कीमतों में कमी की जाए। 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान, अता तारर ने कहा, बिजली कीमत में कमी के ऐलान को सराहना चाहिए। प्यारे मुस्तफा भाई, बिजली की कीमतों में रिलीफ मुफ्त में नहीं पैसे दे कर लिया, अपने बजट से 4500 अरब अदा किए, मुझे खुशी होगी अगर आप सिंध हुकूमत से बात करें। वजीर आला मरियम नवाज का एमकेएम रहनुमा की तनकीद पर रद्दअमल, प्यारी मरियम बीबी आपके मशवरे का शुक्रिया, सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत क्यों करते? मुस्तफा कमाल का जवाब। और पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट, मर्दान में बैरून मुल्क से आए शख्स में वायरस की तस्दीक, खतरात से निपटने के लिए वजीर आजम के जेर सदारत अहम इजलास, तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट का फैसला, शहबाज शरीफ की तमाम जरूरी आलात और किट्स फराहम करने की हिदायत, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों और अमले के लिए मास्क लाजमी पहनने की हिदायत की, मुसाफिरों का सामान भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा।